जबलपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली ये वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपनी बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज होकर अपने जीजा की गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी। वहीं जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने भी फांसी लगा ली। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि तिलवारा घाट के पास रहने वाले विजेत कश्यप ने 2 माह पहले रामनगरा में रहने वाली पूजा शुक्ला से प्रेम विवाह किया था। इस बात पर पूजा के भाई मिंटू शुक्ला ने विरोध किया, लेकिन फिर मामला शांत हो गया। इसका बदला लेने के लिए मिंटू ने विजेत कश्यप की कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपित फरार हो गया है। विजेत की हत्या की सूचना मिलते ही उसके स्वजन सकते में आ गए। वहीं सभी मौके पर पहुंचे, जहां विजेत की सिर कटी लाश देखकर उसकी पत्नी पूजा बेहोश हो गई, जिसके बाद उसके परिजन उसे घर ले गए। कुछ देर बाद जब विजेत के स्वजन घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूजा भी फांसी पर लटकी हुई है। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। विजेत के परिजनों का आरोप है कि विजेत की हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसकी भाभी पूजा की भी हत्या कर दी और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये हत्या पूरी योजना बनाकर की गई है ताकि किसी को संदेह न हो। विजेत के परिजनों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। आपको बता दें कि विजेत और आरोपी दोनों दोस्त थे, जिसके बाद विजेत का प्रेम प्रसंग अपने दोस्त की बहन पूजा के साथ हो गया और उसने पूजा से शादी कर दी। इस बात से आरोपी नाराज था और मौका पाकर उसने अपने ही जीजा की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।